हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने ही चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक लोगों की, जिनको हिंदी में कहते हैं वैशीले लोग। तो ये कौन से लोग होते हैं और इनसे कैसे हमें दूरियां बनाना ज़रूरी है? तो अगर आपको अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना है तो ऐसे लोगों से हमेशा हमें दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारे आसपास ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो हमें हमेशा अनकंफर्टेबल महसूस कराते हैं। तो जानते हैं ऐसे लोगों से कैसे डील करनी चाहिए। कभी कभी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग मिलते हैं जिन्हें हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों की पहचान होती है कि ये लोग हर परेशानी की वजह आपको मानेंगे। अपनी हर गलती कोई ना कोई नई वजह आपके सामने रखेंगे। आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आप उनके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इस तरह का बर्ताव करते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति का ध्यान उन पर बना रहे। ऐसे लोग आपकी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है इनसे डील करना सीखना। आज इसी विषय पर बात करते हुए जानेंगे कि टॉक्सिक लोगों को कैसे डील करें। नंबर वन, हमेशा नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखें। अगर आपके साथ कोई अपना टॉक्सिक व्यवहार कर रहा है तो आपको उनसे खुलकर बात करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको उन्हें समझाने की कोशिश करनी होगी कि उनके ऐसे व्यवहार के कारण आपको परेशानी होती है या आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसके साथ ही उनसे बात करके उनकी परेशानियां समझने की कोशिश करें कि वह आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। नंबर दूसरी बात, उनको बदलने की कोशिश ना करें। टॉक्सिक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है ये खुद को इतना बेचारा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपका ध्यान इन पर अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति बार बार ऐसा करता है तो उनसे पहले ही दूरी बना लें। ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश ना करें और इनसे जब काम हो तभी इनसे बात करें और इनसे मतलब रखें। तीसरी बात, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। अगर कोई रोज़ आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराए तो ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा आना जाहिर सी बात है। लेकिन कई लोग आपकी इमेज ख़राब करने के लिए आपके गलत व्यवहार करते हैं, मतलब आपसे गलत व्यवहार करते हैं जिससे आप उन पर गुस्सा दिखाएं और यह लोग खुद को बेचारा दिखा सकें। इसलिए हर स्थिति में खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। चौथी बात, अपनी सीमा निर्धारित करके रखें। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी सीमा निर्धारित करके रखें। आपको उन्हें अपनी सीमाएं समझानी होगी जिनसे वह आपके साथ गलत व्यवहार ना कर सकें। ऐसे लोगों से सिर्फ काम से मतलब रखें और अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कोई बात शेयर ना करें। पांचवी बात, दूरी बनाए रखें। टॉक्सिक लोगों से डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि आप उनसे दूरी बना लें। इसमें कम से कम बातचीत रखें। अगर कोई टॉक्सिक व्यक्ति आपका ऑफिस का साथी है तो उन्हें सिर्फ काम से कनेक्ट करें। बातचीत के लिए कोई नोट या मेल लिखकर छोड़ दें। अगर आप किसी टॉक्सिक व्यक्ति से सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं तो उन्हें हर अकाउंट से ब्लॉक कर दें। जितना आप उनसे दूरी बनाएंगे उतना आप बेहतर महसूस कर पाएंगे। ध्यान रखें कि आप किसी व्यक्ति को सिर्फ तभी बदल सकते हैं जब वह खुद बदलना चाहे। इस तरह के लोग एक दिन आपके अच्छा व्यवहार करेंगे
और अगले ही दिन आपको इग्नोर करने लगेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी नेगेटिविटी के, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। तो आज मैंने आपसे कुछ टिप्स शेयर करे हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि डोस्टिक लोग, मतलब वैशीले लोग कौन से होते हैं जो आपको जानबूझ के परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां बना के रखें। कभी कभी हमारे घर में भी ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो हमें बात बात पर टोन कसते हैं, जानबूझ के हमें परेशान करते हैं। तो घर में भी आप उनसे उतना ही बात कीजिए जितना मतलब हो, मतलब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको काम होता है, काम की बात कीजिए। जो भी आपको बात कहनी है एक बात कीजिए और वो बात कह के छोड़ दीजिए, मतलब ज़्यादा मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसे लोगों के ज़्यादा मुँह लगते हैं ना, तो नुकसान अपना ही होता है क्योंकि वो टेंशन हमें ही दे जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं पे भी अगर आपको इस प्रकार के लोग मिलते हैं ना, तो उनको पहले तो पहचान लीजिए और उसके बाद उनसे दूरी बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं। हम ना चाहकर भी ऐसे लोगों के बारे में सोचते चले जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना हमारे हाथ में है, इसलिए कोशिश भी हमें करनी है। हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने आप को बदल कर अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो हम एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये मोटिवेशनल वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।